सो अगर आपको पहाड़ों से प्यार है तो ये चैनल आपके लिए है, और अगर नहीं है तो ये चैनल देखना स्टार्ट करो, पहाड़ों से प्यार हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम फतेहपुर, नागपुर टू फतेहपुर भाई। हेलो फतेहपुर, कल रात भाई फतेहपुर पहुंच ही गया था, रात में इतना थक गया था ना, व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी क्या है कि थोड़ा चेन क्लीनर लेने के लिए निकला था, मिल गया मुझे चेन क्लीनर यहाँ पे, एक पांडे जी की दुकान है, बड़ी फेमस है इधर, होटल बहुत अच्छा है, होटल दिखाता हूँ मैं। सो ये रूम था, होटल भूमि नाम है इसका, और 1500 में उन्होंने दे दिया, मतलब बहुत अच्छा रूम है, आपका वॉशरूम भी बहुत प्यारा है, यू कैन सी होटल में, मतलब अच्छा है, फोर्थ फ्लोर है, यही डिसएडवांटेज है, बाकी सारे सामान टीवी वगैरह सब है। इतना थक गया था कल की राइड से कि मैं समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, थक गया था। आया होटल, लिया, सो गया। 2500 बोला था इन्होंने, बार्गेनिंग करके मैंने 1500 करा लिया। मैंने बोला कि मुझे रात भर रुकना है और मेरे लिए ये सब इतना तामझाम किसी काम का नहीं, तो मुझे बस बेड चाहिए होता है कम्फर्टेबल और पंखा चाहिए होता है। सो यस, मिलते हैं बाइक पर। कल रात से बबलू भाई ने बहुत हेल्प किया है, बैग को ऊपर ले जाना, अपना मोबाइल नंबर भी दिया भाई ने, तो यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, कलेक्ट्रेट है ये, यहाँ पे होटल है, होटल भूमि है ना, होटल भूमि, पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, खाना भी बहुत अच्छा था। तो व्हेनेवर यू आर कमिंग टू फतेहपुर ज़रूर विज़िट करो, और बबलू भाई को थैंक यू। वेलकम टू लखनऊ, लखनऊ विकास क्षेत्र में आपका स्वागत। पहले फुल तो कर दीजिए। नहीं सर, ये होता है ऑनलाइन, आपके मोबाइल से मशीन चालू होगी, जैसे आपका इसमें मालूम है कि हमारा 300 का पेट्रोल आना है, हाँ। तो आप 300 करोगे, अगर 300 का नहीं आएगा 100 का ही आएगा, बाकी आपको रिटर्न हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऑनलाइन चल रही है ना। मेरे लेफ़्ट साइड का जो फुटरेस्ट है उसमें 2 स्क्रू लगे हैं, एक स्क्रू गिर गया था, तो फुटरेस्ट जो है ना वो मेरे पैर के पास आके लटका हुआ था दूसरे स्क्रू के सपोर्ट से, मैंने अभी देखा, अब मैं क्या करूं। तो लेकिन आज ये जो रोड है ना, ये पॉपुलेटेड रोड है, आपको 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो मैं जहाँ पर खड़ा हुआ वहीं पर एक लड़का आया, उसने मुझसे पूछा भाई कोई दिक्कत, मैंने बताया उसको, कहता है कि बगल में एक दुकान है, चलिए वहाँ पे करवा लेते हैं। मैंने कहा चल ले भाई। तो लगभग 2-3 किलोमीटर आगे हम लोग आए, वो इतना इस कंडीशन में था मेरा स्टैंड कि वहाँ तक चल सकता था, वहाँ जाके मैं उसने मेरा काम कराया और मेरे से पैसे भी नहीं लिए। और अभी आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे उनकी, उसका नाम गौरव है, मेरा भी नाम गौरव है। तो गौरव भाई थैंक यू सो मच, उस समय मेरा GoPro काम नहीं कर रहा था, मेरा बैटरी डाउन था GoPro का, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, बट मैंने फ़ोटो ले ली थी। तो ऐसे जो हेल्पफुल लोग होते हैं ना, वो मेरे जैसे राइडर्स के लिए ना बड़े काम आते हैं, मैं परेशान हो जाता बट, क्योंकि मुझे दुकान ढूंढना पड़ता है, एक जगह स्क्रू मिलता है, एक जगह नहीं मिलता, मतलब 3-4 जगह हो सकता है मुझे घूमना पड़ जाता,
और यहाँ पे इसकी वजह से मैं डायरेक्टली दुकान पे पहुँचा, 2 मिनट में मेरा काम हो गया। बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की है इस राइड में। कोयम्बटूर में श्रीनाथ थे, उन्होंने मेरा कूलेंट वाले में हेल्प किया। तो ऐसे अननोन लोग भी बहुत सारे हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है। तो कहते हैं ना कि खुदा किसी न किसी को भेजता है आपके लिए, तो शायद ये वही लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो जान बचाए उसी को खुदा भेजेगा, ये छोटी छोटी हेल्प जो करते हैं ना वो भी मेरे लिए उन्होंने ही भेजा है। तो भाई क्या है ये रोड, इस पे तो गाड़ी तुरंत स्लिप हो जाएगी। सो वी आर क्रॉसिंग अयोध्या। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है, और ये जो ब्रिज है वो सरयू नदी का ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज है, और नदी भी जो है वो भी बहुत बड़ी है। ओए ओए बाइक। सो फाइनली आफ्टर क्रॉसिंग 4 स्टेट्स आई एम इन कुशीनगर, माई होम टाउन। सुकून मिल रहा है यार, राहत मिल रही है। अभी ऐसा लग रहा है ना कि यस आई मेड इट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो इस वीडियो में बने रहे, जिन्होंने ये व्लॉग देखा, एंड आई होप कि आप लोगों ने इस सीरीज़ को इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया है सो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फ्रॉम द बटन बिलो। और मौसम बहुत ठंडा है इधर। श्रीवल्ली 3 किलोमीटर है, ऐसे नहीं जा पाऊंगा, बाइक से ही जाना पड़ेगा।